नमस्कार दोस्तों, द वेल्दी इन्वेस्टर को आप सबको स्वागत करता हूं। आज का हमारा केस स्टडी नेस्ले इंडिया के ऊपर है। हम इस कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो नेस्ले ये जो कंपनी है इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज कंपनी है एंड दे हैव मोर देन 2000 ब्रांड रेंजिंग फ्रॉम ग्लोबल आइकन टू लोकल फेवराइट्स। मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड इसका बिजनेस स्प्रेड हुआ है एंड 191 कंट्रीज में इसका बिजनेस है। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है जिसका जो ब्रांड्स आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली सुने होंगे, क्योंकि एक तरह से हम लोग इस कंपनी को मोनोपोली कंपनी भी बोल सकते हैं। तो आप सुने होंगे इसका किटकैट, मैगी, आपका नेस्कैफे, मंच, मिल्कमेड जैसे बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट में एक तरह से मोनोपोली क्रिएट करके बैठा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो इस ये जो कंपनी है आपका पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, बीएससी एनएससी में ट्रेड करती है। उसके साथ साथ ये आपका बीएससी सेंसेक्स और निफ्टी 50 का भी कॉन्स्टिट्यूएंट है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये जो कंपनी है। 28 मार्च 1959, लगभग 64 ईयर्स पुरानी कंपनी है दोस्तों। तो इसका जो हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में पाया जाता है और हम लोग जो नेस्ले इंडिया, पूरा इंडिया में इसका बिजनेस स्प्रेड हुआ है। इंडिया नहीं, इसका प्रेजेंस तो वर्ल्ड वाइड है, क्योंकि हम लोग नेस्ले इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा नेस्ले इंडिया, हमारा इंडिया में पूरा आप बोल सकते हैं जितने भी यहाँ पे स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट हो, गांव हो, कहीं ना कहीं इसका जहां भी जाओ इसका प्रोडक्ट मिल ही जाता है दोस्तों। तो इसका जो की पीपल के बारे में बात किया जाए तो मिस्टर सुरेश नारायण इसके CMD, डेविड स्टीवन मैकडैनियल इसका CFO, मार्टिन रोमकेन इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, स्वाति अजय पिरामल इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। और इसका प्रोडक्ट की बात किया जाए तो मैगी, नेस्कैफे, मिल्कपैड, सेरेलैक, किटकैट, नेस्टी, पोलो। आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो सेरेलैक है वो पूरा इंडिया में सिर्फ नेस्ले ही बनाती है। ये जो बेबी फूड है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही, इंडिया में ये नेस्ले ही बनाती है और इसलिए पूरा कम्प्लीटली बेबी फूड के ऊपर इसका मोनोपोली है। और आप चाहे मैगी हो, आपका नेस्कैफे हो, मिल्कमेड हो, चाहे चॉकलेट में आपका किटकैट हो, पोलो हो, नेस्टी हो, इस सब का कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। पूरा एक तरह से इसका सारा का सारा प्रोडक्ट मोनोपोली है बोल के हम लोग ये भी बोल सकते हैं दोस्तों। चलिए इसके रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। इसका रेवेन्यू के बारे में बात किया जाए तो इसका जो रेवेन्यू आज पर फाइनेंशियल 2022 15,050 करोड़ का था। आपका ऑपरेटिंग इनकम 3,014.11 करोड़, नेट इनकम इसका 2,137.32 करोड़, टोटल आसेट इसका 7,058 करोड़ और 2019 के डाटा के हिसाब से इसका टोटल इक्विटी 1,932.26 करोड़ का था। और इसमें 7,649 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और आपका इसका जो पैरेंट कंपनी है वो नेस्ले ही है। तो दोस्तों, चलिए हम इसके फाइनेंशियल को और डीपली स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैपिटल के बारे में बात किया जाए तो मार्केट कैप इसका 2,20,910 करोड़ की है। इसका मैं जिस वक्त ये वीडियो कर रहा हूँ इसका करंट प्राइस 22,912 रुपीस में चल रहा है। स्टॉक पी 81.1, बुक वैल्यू 296। आप यहाँ मार्क कर सकते हैं, बुक वैल्यू से लगभग 77% ऊपर की तरफ ये कंपनी ट्रेड कर रही है। इसका ROC 138%, ROE इसका 108% एंड फेस वैल्यू 10 रुपीस में चल रहा है। मतलब इन फ्यूचर चांस है कि ये इसका स्टॉक स्प्लिट कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक नज़र डालें तो आप यहां देख सकते हैं कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE इसका बहुत ही बेहतरीन, लास्ट थ्री ईयर में 110% का ROE दिया है एंड कंपनी हैज मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 90.8% का, बहुत ही बढ़िया डिविडेंड आपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। एंड कॉन्स के बारे में बात किया जाए तो 77.3 टाइम्स इस बुक वैल्यू, मतलब स्टॉक का बुक वैल्यू सिर्फ 77 टाइम्स ये ट्रेड कर रही है, ऊपर में ट्रेड कर रही है। ये एक कॉन्स है, आप हम लोग यहां देख चुके हैं कि इसका जो बुक वैल्यू 296 रुपीस है लेकिन करंट प्राइस 22,912 में चल रहे हैं, लगभग इसके 77-78% के ऊपर में ही ट्रेड कर रही है दोस्तों, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। चलिए हम लोग इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 11% से नीचे गया है ओवर पास्ट 5 ईयर्स। अगर हम लोग चलिए हम देखते हैं इसके पीयर कंपैरिजन, तो आप यहां देख सकते हैं इसका पीयर कंपैरिजन में ज़्यादा कंपनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटानिया है और कहीं ना कहीं सोरस एनर्जी भी इसके पीयर कंपैरिजन के अंडर आती है, जिसका पी हम लोग यहां पे देख सकते हैं दोस्तों। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। हम 3 साल का प्रॉफिट लॉस देखेंगे, किस तरह से ये प्रॉफिट बना रही है, नहीं बना रही है वो हम लोग देखेंगे। हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर दिसंबर 2020 की प्रॉफिट के बारे में बात किया जाए तो इसमें 2082 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। दिसंबर 2021 की तक ये 2118 करोड़ का, दिसंबर 2022 में ये 2391 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। मतलब साफ देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट ही हो रहा है, जो कि पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कंपनी प्रॉफिट में।
हैं। और अर्निंग पर शेयर भी आप यहाँ देख सकते हैं इंक्रीमेंट ही हो रहा है, और 2020 में अर्निंग पर शेयर 215.98 में, 2021 में अर्निंग पर शेयर 219.72 में, और 2022 में अर्निंग पर शेयर 247.94 में चल रहा है। जो अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा दिया है, डिविडेंड पेआउट भी बढ़िया, 2020 में 93%, 21 में 91%, 22 में आपका ये 89% का डिविडेंड पेआउट आपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। तो चलिए हम इसके कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सीएजीआर के ऊपर एक नज़र डालते हैं। अगर 5 साल का सीएजीआर देखा जाए तो 19% और 10 साल का सीएजीआर उसका 16%, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न माना जाता है। चलिए हम लोग एक नज़र इसके एसेट के ऊपर अभी डालते हैं। अगर हम लोग प्रीवियस 4 साल का एसेट के ऊपर नज़र डालें तो 2020 तक एसेट 7900 करोड़ का था, 2021 में 8234 करोड़ का हुआ, 2022 में 8979 करोड़ का हुआ, 2023 में 9452 करोड़ का हुआ। तो आप यहां देख सकते हैं इसके एसेट में भी इंक्रीमेंट हुआ है। हम लोग पहले देख चुके हैं कि इसके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हो रहा है और यहां पे अभी एसेट में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो फंडामेंटली हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं ये पिछले कई सालों से बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बना रहा है और अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग एक नज़र इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर डालते हैं। तो हम लोग पिछले देखेंगे 2022 से लेकर जून 2023 तक देखेंगे कि अपना जो प्रोमोटर हो FISO DSO इस अपने शेयर्स को बढ़ा रहे हैं या कम है या फिर वो कॉन्स्टेंटली रखे हैं, वो हम लोग एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले प्रोमोटर की बात किया जाए तो दिसंबर 2020 तक इसका शेयर 62.76% का शेयर थे, और 2023 में 62.76 एंड 2023 भी 62.76%। आप यहां देख सकते हैं जो प्रोमोटर है वो अपना शेयर कम नहीं कर रहे हैं, ज्यादा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से कॉन्स्टेंटली होल्ड करके रखें, क्योंकि उनको पता है इनका जो कंपनी एक तरह का मोनोपोली कंपनी है और मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है। तो चलिए अगर हम लोग FIs की तरफ बढ़ते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FIs के बारे में बात किया जाए तो दिसंबर 2020 में इनका जो स्टॉक आपका 12.12% का, फिर मार्च 2023 में इसका जो शेयर 12.06 थोड़ा कम कर दिया, फिर उसके बाद 2023 में एकदम से थोड़ा बढ़ा भी दिए, दैट इज 12.38%। और DIS के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं DIS का जो होल्डिंग 2022 दिसंबर में 9.04% का, 2023 मार्च को 9.19% थोड़ा इंक्रीमेंट कर दिया अपना होल्डिंग, फिर जून 2023 में इसको नीचे गिरा के 9.05% का होल्डिंग बना लिए। तो पब्लिक के बारे में बात किया जाए तो पब्लिक के पास आज के डेट में आप यहां देख सकते हैं जून 2023 के रिकॉर्ड के हिसाब से आप इस पब्लिक के पास 15.82% का शेयर्स होल्ड होकर रहा है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसके चार्ट के ऊपर देखते हैं, एक नज़र डालते हैं, देखते हैं पहले 6 महीने में क्या रिटर्न आपने इन्वेस्टर को बना के दिया है, उसके बाद देखेंगे 1 साल और 5 साल में कितना इन्वेस्टमेंट, और लॉन्ग टर्म में अगर कोई इस स्टॉक में होल्ड किया है तो उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं वो भी देखेंगे। तो देख सकते हैं आप ये नेस्ले इंडिया का चार्ट पैटर्न है, हम लोग इसको अगर 6 मंथ कर दें तो 6 मंथ में ये अपने इन्वेस्टर को 17.25% जो कि 3369 का पर शेयर प्रॉफिट बना के दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 10th अप्रैल 2023 को शेयर प्राइस 19,530 में चल रहा था और आज के डेट में 22,900 में चल रही है। तो लगभग 3,400 के आसपास ये अपने इन्वेस्टर को पर शेयर रिटर्न बना के दिया है। चलिए दोस्तों हम इसको इस डाटा को 1 ईयर कर लेते हैं। अगर 1 ईयर का डाटा देखा जाए तो ये अपने इन्वेस्टर को 19.78 बहुत ही बेहतरीन 3,780 के प्रॉफिट बना के दिया है पर शेयर पर स्टॉक। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं 10th अक्टूबर 2022 को 19,119 में चल रहा था। हाँ, इस पॉइंट में आपका लगभग 14th मार्च 2023 में शेयर थोड़ा नीचे गिर गया था जो कि आपका 18,264 में हो गया था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली इस स्टॉक में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला है और आज के डेट में ये 22,900 में ट्रेड कर रही है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं जो इस स्टॉक को 5 साल से होल्ड करके रखे हैं उनको कितना इन्वेस्टमेंट मिला है। तो आप देख सकते हैं जो स्टॉक को 5 साल में इन 5 साल तक इन्वेस्ट होल्ड करके रखे हैं तो उनका स्टॉक मतलब प्राइस उनका स्टॉक प्राइस एकदम से डबल से भी ज़्यादा हो गया। आप देख सकते हैं 136% का रिटर्न ये आपने इन्वेस्टर को बना के दिया है, लगभग 13,200 का रिटर्न पर शेयर ये आपने इन्वेस्टर को बना के दिया है दोस्तों। आप यहां देख सकते हैं 12th अक्टूबर 2018 को स्टॉक 9,699 सिर्फ और सिर्फ मतलब 9,700 के आसपास ट्रेड कर रही थी, लेकिन आज के डेट में 22,900 में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वो कितना बेहतरीन और बढ़िया रिटर्न ये आपने इन्वेस्टर को बना के दिया है दोस्तों, जो 5 साल में इसमें रखे होंगे बहुत ही बढ़िया रिटर्न पाए हैं दोस्तों। चलिए हम इस डाटा को मैक्सिमम कर दें, जब से ट्रेड लिस्टिंग हुआ है आपने इन्वेस्टर को 800
17.96%, मतलब लगभग 820% का रिटर्न, 20,405.35 रुपीज़ का हाई की आपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। दोस्तों 8 जनवरी 2010 को ये स्टॉक 2,494 में लिस्टेड हुआ था और आज के डेट में ये जो स्टॉक है वो 22,900 में चल रहा है। मतलब और स्टॉक जो इतने दिनों से 2010 से इसको होल्ड करके बैठे होंगे, कितना बढ़िया, मतलब लगभग सिर्फ और सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं 13 ईयर्स 13 साल में ये अपने इन्वेस्टर को 800 से भी ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है। और मतलब कितना बढ़िया, ये अपने इन्वेस्टर को जो 12-13 साल से इसको होल्ड करके रखे होंगे उनका तो पर शेयर कितना बढ़िया रिटर्न मिला होगा दोस्तों। तो मेरे हिसाब से दोस्तों फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बढ़िया कंपनी है, मोनोपोली स्टॉक है। इसका जो प्रोडक्ट है वो एक तरह से मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करके ही बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपका इन्वेस्टमेंट इसमें रहना चाहिए। और लेकिन हाँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो नहीं है, जस्ट आप तक कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग पास कर रहे हैं दोस्तों। बाकी इन्वेस्टमेंट से पहले आप खुद से मार्केट रिसर्च कीजिए, आपके हिसाब से कंपनी अच्छा लगे तो जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए दोस्तों। और डेफिनेटली हमको कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए और हमारा इस वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स का एक सीरीज भी बना रहे हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से टाटा स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस के जाके भी देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।